या प्ले स्टोर से कोई ऐप या गेम को डाउनलोड या अपडेट करने जा रहे हैं तो वो आपका अपडेट नहीं हो रहा है, वहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स ओपन करना है, उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐप्स आ जाएंगे। यहाँ पर सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है तो जो भी आपके स्मार्टफोन में ऐप्स होंगे उनकी लिस्ट इस तरीके से सर्च आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता है, ऊपर सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना है गूगल, तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, क्लियर कैच पर इधर आकर क्लिक कर देना है। फिर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, स्टोरेज एंड कैच पर क्लिक करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्लियर स्टोरेज पर क्लिक कर देना है और डिलीट कर देना है। अब जैसे ही मैंने क्लियर स्टोरेज पर क्लिक किया तो आपके मन में सवाल आया होगा और आप परेशान हो गए होंगे कि क्लियर स्टोरेज करने से मेरा डिलीट डाटा तो डिलीट नहीं हो जाएगा, ये जो मेरे ऐप हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लियर स्टोरेज करने से आपके स्मार्टफोन में कोई सा भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ना ही आपके ऐप्स डिलीट होंगे, ना ही आपका ऐप्स का डाटा डिलीट होगा, ना ही आपकी कोई फोटोज एंड वीडियोज डिलीट होंगी। तो आपको इसकी चिंता नहीं करना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है। आपके सामने इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा, आपको आपकी जीमेल आईडी का आइकन ऊपर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का, इस पर क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन हो ओवर वाईफाई ओनली या आस्क मी एवरी टाइम इसका ऑप्शन हो तो आपको ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो अपडेट ऐप्स का, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको देखिए डोंट ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है। फिर यहाँ पर ऑटो प्ले वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ पर क्लिक करके डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है अबाउट का, अबाउट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट प्ले स्टोर का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं होगा तो वो होने लगेगा और आपका प्ले स्टोर अपडेट हो जाएगा, और आपका अगर अपडेट होगा तो यहाँ पर अप टू डेट लिख कर आएगा, आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है जर्नल का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करना है, क्लियर कर देना है, क्लियर विश लिस्ट पर क्लिक करना है, क्लियर कर देना है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है इस तरीके से। अब आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से कोई भी ऐप या गेम को डाउनलोड करेंगे तो वो आपका डाउनलोड होने लगेगा। देखिए जैसे कि मैं इस गेम को डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये गेम मेरा जो है पेंडिंग लिखा आ रहा था, अब डाउनलोड होने लगा है। चलिए देखिए मैं इसको भी, ये गेम है ड्रीम इलेवन, मैं इसको भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ देर तक पेंडिंग लिखा आएगा, उसके बाद ये ऐप हमारा डाउनलोड होने लगेगा। देखिए जैसे कि मेरा ये ऐप डाउनलोड होने लगा है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।